Hi everybody. Hi sir. Very good evening to all of you. And today we have assembled here to improve our English communication skills. How you can improve? Communication का मतलब क्या होता है? हम अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं. That's communication. When you tend to convey your message to somebody, that is your communication. लैंग्वेज कोई भी हो सकता है, इट कुड बी इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी, भोजपुरी, मैथिली, व्हाट एवर द लैंग्वेज यू स्पीक. हम बहुत ज्यादा फास्ट बोलते हैं, दैट्स नॉट कम्युनिकेशन. हम अपनी बातों को किसी के सामने कितना इफेक्टिवली रख पाते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन. एंड कम्युनिकेशन इज टू वे ट्रैफिक. That we need to understand. So learn the art of communication, how you can communicate with others effectively. However, in today's class, I would be dealing upon जो हम ये बात बताएंगे, जो आप अपनी बात किसी को रखोगे तो उसका एक कंपोनेंट है word, word power. Because आप अपनी बात को किसी के रखोगे किसी के सामने में, how to express yourself? Using words, putting them into sentences. So you weave words into sentences. आप शब्दों को मोती की तरह बुनते हो और पेश करते हो. और कितना इफेक्टिव होता है जब उसको अच्छे ढंग से आप उसको सजाते हो फॉर पर्टिकुलर मीनिंग. क्योंकि पैटर्न्स अलग अलग होता है, हम पैटर्न्स जो है के अनुसार मीनिंग चेंज हो जाता है. जैसे I told someone और I am told means I told someone means I said to someone, मैंने किसी से कहा. और I am told that she is a good girl means I have got this information that she is a good girl. So I am told has a different meaning because of the pattern changing. ये हमें समझना चाहिए. But anyway, कल काफी बारिश हुई थी दिल्ली में, आपने भी फील किया? Was there water logging in your area? Your area was also waterlogged? No, it was good. Okay, आपके एरिया में it was inundated या पानी जल जमाव था? तो ये जो जल जमाव था उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉटर लॉगिंग. क्या बोलते हैं? इनंडेशन. इनंडेशन, राइट राइट. लेकिन वो कल परसों जो बारिश हुई थी, इस सीजन का ये मानसून शुरू हो गया है. ये मानसून जो हम बोलते हैं इंग्लिश में, मानसून बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, और अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं मानसून, और ब्रिटिश में मानसून, मानसून एम ओ एन एस डबल ओ एन. सो दिस ओ इज प्रोनाउंस एज ओ इन ब्रिटिश इंग्लिश, इन अमेरिकन इंग्लिश दिस इज आ, मानसून. इन ब्रिटिश इंग्लिश मानसून. ओके, दैट इज द डिफरेंस. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे बोलते हैं टफ, अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं उसे टफ. ऐसे बताएंगे आगे चल करके इंग्लिश की प्रोनंसिएशन के बारे में, हाउ इट डिफर्स. लेकिन ये जो परसों जो मानसून जो यहां पर स्टार्ट हुआ है उसमें क्या होता है? मानसून इज बेसिकली रेनफॉल. जब बारिश का मौसम आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? मानसून. That we call it monsoon has started. Means the rains have started. The rains have started. So you can say the monsoon has started. Monsoon has started. Or you can say rains have started. Or rainfall has started. Or rainy season has started. You can also call it rainy season has started. Or rains have started. Okay. Or rainy. See, rains जो है countable नहीं होता है, uncountable होता है. लेकिन rains जो है एक storm हो गया, बारिश का मौसम. The rains have started. The rains have started. So you can use here that. Then it will be a small one. Am I clear that you can use here? So this is how language functions. Anyway, rain kya hota hai? What do you mean by rain?
देखो सबसे पहले वर्ड आर ए आई एन, अंग्रेजी में जब दो वॉवल एक साथ होगा, मीन द टू वॉवल्स आर पुट टुगेदर, नॉर्मली द सेकेंड वॉवल गोज म्यूट, साइलेंट हो जाता है, द फर्स्ट वॉवल गोज लॉन्ग, पहला वॉवल लंबा हो जाएगा, तो ये आई साइलेंट हो जाता है और ए का प्रोनाउंसिएशन ए हो जाता है, एक्चुअल हो जाता है. रेन्स, बोलो रेन, 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 पेन, पेन, मेन, 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 रेन, पेन, मेन, टेन, 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 राइट. तो यहां पर आई साइलेंट होगा, ए का प्रोनाउंसिएशन ए होगा, एक्चुअल हो जाएगा. क्लियर? डिड यू गेट माय पॉइंट? ये याद रखना, ये रूल बहुत काम देगा. जब ससुराल में जाओगी वहां पर ये रूल काम देगा. सास खुश हो जाएगी ठीक से बताओगी तो. राइट? ओके. तो यहां पर जब दो वॉवल एक साथ हो तो नॉर्मली सेकंड वॉवल गोज म्यूट, फर्स्ट वॉवल बिकम लॉन्गर, तो लॉन्गर होगा. और लॉन्गर क्या होगा? जो उसका है, जो वॉवल होगा उसके अनुसार आ जाता है. तो ये हम जानकारी और देंगे. अभी तो आपने तीन चार वर्ड देखेंगे. आपको गूगल में जाना, द वर्ड्स एंडिंग इन ए आई एन, बहुत सारे वर्ड मिल जाएगा आपको. बोलो जोर से, रेन, पेन, मेन, टेन, टेन, कंटेन, कंटेन, कंटेन. क्लियर? वेरी गुड. नाउ अगेन कम टू दिस पॉइंट हियर. रेन, रेन क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय रेन? रेन का मतलब बताओ क्या होता है. रेन क्या होता है? When water drops, the drops of water fall from the sky. Sky means from the cloud, from the reverse mode में जब हवा जाती है तो. So water begins to fall from accumulated in the form of cloud. Okay, it comes down in the form of drops. If it's very very small, then we call it drizzle. मिजल, ड्रिजल और मिजल. तो हम उसको क्या बोलते हैं? ड्रिजल. जोर से बोलो बेटा, ड्रिजल, ड्रिजल. उससे भी छोटा होगा तो क्या कहेंगे? मिजल, मिजल, ड्रिजल. और बूंद थोड़ी बड़ी हो गई तो क्या हो गया? नहीं तब हो गया रेन. क्या हो गया? रेन. और भी रेन से भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा क्या बोलेंगे? हेल. क्या बोलेंगे? एच ए आई एल, हेल. क्या बोलेंगे? हेल. तब उसमें क्या होगा? तो वो आइस के रूप में दिखाई देगा. हाँ, जब रेन का टुकड़ा बड़ा हो जाएगा तो आइस की तरह दिखाई देगा, आइस हो जाएगा. उसे हम क्या बोलते हैं? हेल, हेल. क्या बोलेंगे? इट वॉज हेलिंग, इट हेल्ड यस्टरडे. एकदम काफी बड़ी बौछारें हुई थी, बड़ा बड़ा. इट वॉज हेलिंग, इट हेल्ड. क्लियर? तो रेन के बारे में कॉन्सेप्ट मिला आपको. अब रेन वर्ड जो है वहीं तक नहीं है. रेन वर्ड का यूज कैसे करेंगे? रेन बेसिकली इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, बेसिकली. हाउएवर इट कैन बी यूज ट्रांजिटिवली आल्सो. तो रेन जब हम इंट्रांजिटिवली होगा, इसका मतलब आगे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. राइट? जैसे आई गो, फुल सेंटेंस, कंप्लीट मीनिंग. You can use another words, then you have to use here the preposition. I go to school, I go to my office. But rain is there, impersonal. ये सिर्फ व्यक्ति से नहीं जोड़ते हैं, तो उसके अलग से जो है आपको यूज करना होगा. रेन का मतलब बारिश, तो कोई आदमी बारिश नहीं करता है. तो इस तरह के जो verbs होते हैं impersonal होते हैं. क्या होता है? तो इसमें impersonal pronoun लगाना पड़ता है. तो जैसे it का प्रयोग करेंगे. क्या यूज करेंगे? इट. बोलो इट इज रेनिंग, इट इज, इट इज रेनिंग. बारिश हो रही है तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटे? इट इज रेनिंग. हम नहीं कह सकते हैं रेन इज रेनिंग, ऐसा नहीं बोलेंगे. रॉन्ग. इट इज रेनिंग. क्या बोलेंगे? जोर से बोलो, इट इज रेनिंग. हे लुक आउट, हे लुक आउट, इट इज रेनिंग. इट रेन्ड यस्टरडे हेवियली. कल खूब बारिश हुई थी. इट रेन्ड हेवीली. इट रेन, कल खूब बारिश हो रही थी तो क्या बोलेंगे? इट रेन, खूब बारिश हुई. इट रेन, जोर से बोलो, इट रेन्ड हेवीली. इट रेन्ड
heavily. लेकिन उसके लिए अलग वर्ड भी आ गया. रेन जब हेवी हो, रेन हो, तब उसके अलग से एक वर्ड हो जाता है, डाउनपोर. इट डाउनपोर्ड, इट डाउनपोर्ड. और देयर वाज अ डाउनपोर, जैसे रेन वर्ब है और नाउन भी है. सो देयर वाज अ डाउनपोर यस्टरडे. देयर वाज अ डी ओ डब्ल एन, डाउनपोर. जोर से बोलो, देयर वाज अ डाउनपोर यस्टरडे. भारी बरसा हुई थी, काफी बारिश हुई थी. क्या बोलेंगे? डाउनपोर. अब कल देखोगे न्यूज़पेपर में, यही भारी इतनी बरसा हुई कि पूरा जलमग्न हो गया, डेल्यूज हो गया. वो क्या हो गया? डेल्यूज, LUGE, डेल्यूज. जोर से बोलो बेटे, DELUGE, डेल्यूज. चेक द डिक्शनरी, डिक्शनरी में देखो, चेक योर डिक्शनरी, DELUGE. जब बारिश काफी हो, पूरा पान भर जाएगा पानी, तो क्या हो गया? डेल्यूज. क्या बोलेंगे उसको? डेल्यूज. और नदी में इसी तरह से काफी पानी आ जाए, काफी उफान आ जाए, वह होता है DELUGE. मिला बेटा आपको? क्या मीनिंग है बेटा? खूब पानी तो ओवरफ्लो हो जाएगा. जैसे दिल्ली में हो गई थी. लेकिन तुम्हारी शादी ऐसी जगह करवाऊंगा जहां पर सारी पूरी व्यवस्था अच्छी रहेगी, सीवरेज का सिस्टम अच्छा होगा, तो वहां पर. ओके, सो डेल्यूज. एम आई क्लियर? लेकिन उसी नदी में जो पानी उछले, वहां पर काफी पानी आ जाता है. क्या होता है? द रिवर इज इन स्पेट, द रिवर इज इन फुल स्पेट. क्या बोलते हैं? SPAT, स्पेट. देखो SPAT, यहां होगा स्पैट. डोंट स्पैट विथ योर मॉम इन लॉ. अपनी सास से झगड़ा मत करो. डोंट स्पैट विथ योर, और डोंट हैव अ स्पैट विथ योर मॉम इन लॉ. अपनी सास से झगड़ा मत करो. स्पैट मतलब झगड़ा. वो तो तुम मैं करते, आर्गुमेंट करते ना, स्पैट. लेकिन यहां पर ई लगा देंगे तो यहां हो जाएगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा. इस ई का उच्चारण तो नहीं होगा, राइट? क्योंकि यह कहलाता है मैजिक ई. जब किसी वर्ड के अंत में ई हो तो ई इज नॉट प्रोनाउंस्ड. ई का उच्चारण नहीं होता है. उससे पहले कंसोनेंट है, उससे पहले एक वोवल है, वो वोवल का एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन हो जाता है. ये होगा स्पेट. जोर से बोलो, स्पेट, स्पेट, स्पेट. द रिवर इज इन स्पेट, इन फुल स्पेट. खूब बारिश, पूरा बारिश से जलमग्न हो गया, एकदम उछल रहा है. देखो डिक्शनरी में स्पेट का मीनिंग. ओके, या सो द एंटायर दिल्ली वॉज फ्लडेड एंड द यमुना वॉज इन स्पेट. द यमुना वॉज इन स्पेट यस्टरडे. क्लियर? हैप्पी हैप्पी? तो आपने देखा रेन. ओके, जब बूंदा बूंदी हो तो क्या बोले? ड्रिजल. बहुत छोटा होता क्या हो गया? मिजल. क्या हो गया? बड़ी हो हेल. क्या हो गया? हेल, राइट? और बारिश ऐसे भी होती है, जैसे क्या है, इट वॉज शावर. तो जैसे हम बाथरूम में स्नान करते हैं ना, तो वहां पर भी जो बारिश की बूंदे ऐसी तरह होती है, वहां भी शावर कर. देयर वाज अ लाइट शावर यस्टरडे. देयर वाज अ लाइट शावर यस्टरडे. शावर. देयर वाज अ लाइट शावर यस्टरडे. ऐसे भी कर सकते. There was a light, you know, rain yesterday. The light shower yesterday. It was in full speed. Okay? लेकिन यदि पानी वहां पर काफी जल जमाव हो गया तो क्या होगा? Inundated. The area was inundated. Inundated. INUNDATE. Chaudhary sir is good at spelling, so he can correct me. Okay. Inundate. Inundate. Okay. Is that okay? Yes, sir. Inundate. So, inundate. क्या बोलेंगे? Inundate. फिर देखो यहां पर लास्ट में ई है. ई से पहले कंसोनेंट, उससे पहले ए होगा, तो ए विल बी प्रोनाउंस लॉन्गर. डेट. क्या बोलेंगे? डेट, डेट. और डेट एक खाने का भी होता है, डेट्स. और डेट एक खतरनाक वर्ड है. दिल्ली जैसे शहर में लोग बहुत ज्यादा डेटिंग करते हैं. आप लोग मत करना. आपकी तो शादी हो चुकी है, फिर डेटिंग का मतलब क्या समझते हैं? गलत बात. वेरी बैड. ओके, तो ये शादी से पहले लड़के लड़कियां एक डेट पर जाते हैं, उसको कहते हैं डेटिंग. लेकिन कोर्ट में हैव अ डेट विद अ कोर्ट, तो वहां पर तारीख पड़े, वहां भी कहते हैं डेट, और खाते भी डेट्स खजूर. ओके, एंड इज आउटडेटेड. वहां पर डेटेड मतलब बहुत पुराना, ये भी कहते हैं. इट इज डेटेड, बहुत पुराना है.
इन दैट केस यू आल्सो यूज. नाउ तो हम रेन के बारे में सीख रहे थे. रेन पर एक आता है ना, जब बारिश होती है तो इंग्लैंड में चूंकि ज्यादा बारिश होती रहती है तो वहां पर एक छोटा सा पोएम भी है. क्या है? Rain, rain, go away, come again another day. Rain, rain, go away, come again another day. लेकिन अब इसे एक फ्रेज भी बन जाता है. Rain or shine, I'll do it. Means no matter whatever it happens, कुछ भी हो, I'll come here, rain or shine. I'll come here, rain or shine. तो rain or shine जो है एक idiom हो गया बेटा. R A N, rain or shine. ये हो गया रेन और साइन. ये एडवर्ब हो जाएगा. देखो देखो चेक करो डिक्शनरी में. रेन और साइन, आई विल डू इट. कुछ भी हो जाए, वॉट एवर मे हैपन, आई विल डू इट. तो इसका मीनिंग क्या था कि जो बारिश हो या दिन अच्छा रहे, हम ये काम करेंगे. अब उसी का व्यापक अर्थ हो गया रेन और साइन, आई विल डू इट. रेन और shine, rain or shine, I'll do it, I'll go there, I'll complete. Your examination will be held rain or shine. कुछ भी हो परीक्षा होगी. मिल गया आप लोगों को? हैप्पी हैप्पी? बुलाया गया नहीं कभी? क्लियर? यह एक idiom हो गया. ये क्या हो गया? idiom हो गया. विशेष मीनिंग इसका हो गया. राइट? अच्छा कल क्या हुआ था पता है आप लोगों को? It rained a lot, so the classes were rained off. The classes were rained off. बारिश के कारण क्लास स्थगित कर दी गई. लिखो सेंटेंस. The classes were rained off yesterday. The classes were rained off yesterday. The rained off. The classes were rained off or out. Same meaning. The classes were rained off yesterday. Yesterday. The classes were rained off yesterday. Meaning, बारिश के कारण कल क्लास कैंसिल कर दी गई. एक phrasal meaning हुआ. क्या हो गया? Phrasal meaning. यहां पर क्या रेन क्या हो गया? Transitive verb. Else rain blows on you. फिर ये जो पिटाई की बारिश कर देंगे तुम पे. I'll rain blows on you. तो rain यहां transitive verb हो गया. Okay. तो rain यहां पर transitive verb ऐसा होता है हम use करते हैं. Okay. So he experienced a rain of love. कि प्यार की बारिश हो गई. रेन ऑफ लव किसी चीज को काफी मात्रा में हो गया तो वहां पर रेन ऑफ समथिंग. रेन ऑफ समथिंग ये नाउन हो जाएगा. रेन ऑफ इसका मतलब अ लॉट ऑफ. रेन ऑफ समथिंग मीनिंग बदल गया ना. डू यू गेट माई पॉइंट? हाउ द मीनिंग चेंज इज दैट यू सी हियर. तो एक रेनी सीजन से एक रेन वर्ड लोगे बहुत कुछ सीखोगे. ओह माय गॉड आई कांट गो आउट. कल क्या हुआ? मैं आना चाहता था ऑफिस. आई वॉन्टेड टू कम टू माई ऑफिस यस्टरडे बट आई वॉज रेन्ड इन. आई वॉज रेन्ड इन मीनिंग बारिश के चलते मैं घर में ही रहा, अंदर में ही रहा. आई वॉज रेन्ड इन मैंने बारिश के चलते मैं घर में ही रहा. आई वॉज रेन्ड इन. We were rained in for 2 hours. 2 घंटे तक बारिश होती रही, हम लोग अंदर में रहे. We were rained in for 2 hours. तो ये लैंग्वेज का देखो. So what you need to understand, how the words are used, where the words are used. If you are able to understand, then you can make sentences, you can communicate better. Agreed or disagreed? You need to understand. Rain का बहुत सारा synonym है. वो synonym भी हम आपको बताएंगे. जैसे for an example. Hey, look out! It is bucketing down. It is. बहुत बारिश हो रही है. बाल्टी भर भर के बारिश हो रही है. जैसे एक बाल्टी ले लो पानी ऊपर से आप उछालो तो ऐसी बारिश जो होती है बहुत ज्यादा. बोलते हैं इट इज बकेटिंग डाउन. इट इज
Bucket is a noun, you use it in your washroom. But bucket is a verb here. It is bucketing down. Hey, is it tipping down? Yeah, it is tipping down. It is tipping down. It is tipping down. Hey, let's stay in. Hey, let's stay in. It's tipping down. It's tipping down. It's tipping down. Ah, I want to enjoy the rainfall. Let's go out. Oh, it's tipping down. Let's enjoy. Let's frisk and gambol. Let's frisk and gambol when it is tipping down. बारिश हो रही है हम लोग उछल कूद करते हैं लेट्स फ्रिस्क एंड गैम्बोल लेट्स फ्रिस्क एंड गैम्बोल दैट यू कैन यूज हियर एम आई क्लियर चलो एनीवे तो हमें वर्ड का प्रयोग करना सीखना चाहिए हाउ एंड वेयर टू यूज अ वर्ड तो अगली क्लास में हम आपको रेन के बारे में और बहुत कुछ पढ़ाएंगे जैसे बहुत सारे फ्रेजेज है ईडियम्स है एटसेट्रा है वो भी हम आपको बताएंगे ओके सो इनफ फॉर द डे इज दैट ओके Let's call it a day. चलो आज के दिन हम यही समाप्त करते हैं. Bye bye. Thank you. See you. Cheerio. Cheerio.